हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास 3542 का कोई बायोस आता है और उसको बायोस को बनाना है, न्यू बायोस बिल्ड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो एक तो ऑप्शन होता था कि कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए हम इसको कर लेते थे, कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए इसको एक्टैक करके हम अपना काम कर लेते थे। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट नहीं बताने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं नए तरीके से आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी जल्दी इस बायोस को हम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसका exe डाउनलोड करना है। exe डाउनलोड करने के लिए मैं इसका सर्विस टैग ले लेता हूँ, कंट्रोल एफ टैग, सर्विस टैग इसका मुझे ऐसे मिलेगा, डॉलर लगा देता हूँ, टैग मिल जाना चाहिए शायद। हाँ, ये टैग आ गया, डॉलर टैग आ गया। और यहाँ ऊपर नीचे कहीं देखिए, टैग यहाँ नहीं है, तो यहाँ देखिए आप, ये सेकंड ऑप्शंस पे ये आपको टैग आ गया। ये टैग को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके मैं डेल की वेबसाइट में जाऊँगा, www.dell.com और dell.com। और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा सपोर्ट में, ड्राइवर एंड डाउनलोड। यहाँ पर मैंने सर्विस टैग को पेस्ट किया, सर्च किया और ये अपने डेटाबेस में ढूंढ लिया, 3542 का लैपटॉप है ये। और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर फाइंड ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए, ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप डालेंगे सिस्टम बायोस और ये आ गया, ये आपका 2018 का बायस है। मैं ये नहीं लूँगा, मेरा 3542 जो था ये 2015 के आसपास का है, तो मैं उसी समय का ले लेता हूँ। देखिए, ये मैंने कोई ओल्डर वर्जन का बायस ले लिया है ना, यहाँ पर ओल्डर वर्जन का बायस मैं यहाँ पर ले लूँगा। तो यहाँ पर इतने सारे बायस आ रहे हैं, कोई भी ओल्डर वर्जन का ले लो आप, है ना, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं लेते। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये 2016 का वर्जन है, इसको मैंने ले लिया, है ना। बाकी वर्जन देख के लेना चाहिए, वर्जन देखने का भी एक टेक्निक होता है कि हम डेल में किस तरह वर्जन को फाइंड करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने क्या करना, कैसे बायोस बनाना है वो सिंपल तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ये मेरा सेव हो गया। अब देखिए, ये हमारे पास आ गई ईएक्सी। अब बात आ जाती कि इस ईएक्सी से हम कैसे अपने बायोस को बिल्ड करें, है ना। फिलहाल मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। तो तरीका क्या है, तो जनरली तरीका क्या होता है कि देखिए, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, है ना, ये काम नहीं करेगा, है ना। टेम्प मेथड भी यूज करके आप देखेंगे, टेम्प मेथड परसेंट टेम्प परसेंट, तो उसमें भी शायद ये काम नहीं करेगा, है ना। देखिए, यहाँ पर ये मेथड भी काम नहीं करने वाला, मैं टेम्प मेथड भी करके आपको दिखा रहा हूँ। ये टेम्प मेथड के लिए इस पर मेरे को डबल क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ नहीं, टेम्प मेथड काम नहीं करेगा। तो कुल मिला के है कि इसको बनाएंगे कैसे, राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देखोगे, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो इसको बनाने का क्या मेथड है, तो सिंपल मेथड है हमारे पास। अगर हमारे पास ये टूल रहता है, ये आप देखिए, यहाँ पर सिंपल एक एक्सट्रैक्टर टूल है, IRST टूल। ये IRST इस टूल को मैं ओपन कर रहा हूँ, है ना। इसको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट होगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी टूल ओपन हो जाने दीजिए, ये टूल ओपन हो गया, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद सिंपली मैं एक्सट्रैक्ट में गया, और एक्सट्रैक्ट में मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब ये किस टूल से एक्सट्रैक्ट होगा, है ना, तो वो आप देखिए। आप चाहो तो वन बाय वन भी ट्राई कर सकते हो, है ना, एक्सट्रैक्ट करके। अगर होना होगा तो उससे हो जाएगा, नहीं अगर आपको पहले से पता है, जैसे यहाँ पर मैंने किया, क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए बायस पिन मिल गया। मतलब क्या है, यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या था आपका, यूनिवर्सल, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना कि कौन से टूल से एक्सट्रैक्ट होगा। सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आपने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, आपका बायस बन के रेडी। कहाँ पर आया ये आउटपुट, यहाँ पर है मेरा, ये देखिए, यहाँ पर बायोस डॉट पिन आ गया, 8 MB का बन के आ गया, है ना। और ये हमारा यहाँ पर रेडी हो गया, और बस कट करके हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। हमारा बायोस बन के हो चुका है रेडी, ये हमारा यहाँ पर बायोस बन गया।
है ना। तो सिंपल है, ये टूल की सहायता से हम आराम से इस बायस को बना सकते हैं, कभी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बायस बन के हमारा रेडी हो जाता है। तो ये सिंपल टूल है, आप देखा ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर आप 35-42 का बायस बना दिए। और भी बहुत सारे बायस बनते हैं, आगे के वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे। तो अगर आपके पास ये टूल है तो आपके बायस एडिटिंग में जो एक्सट्रैक्शन का पोर्शन होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका एडिटिंग का पोर्शन, आपका जो एक्सट्रैक्शन का पोर्शन होता है वो आपका ईजी रहेगा। और ये टूल जो है एक पेड टूल है, ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है, केवल इसकी कीमत है 2,000 रुपये। जो आपका कोई इंडिया में परचेज करता है तो उसके लिए इसकी कीमत रखी गई है 2,000 रुपये, और इंडिया से बाहर का है तो उसके लिए इसकी कीमत हो जाती है आपको करीब करीब 2,500 रुपये के आसपास, है ना। बाकी ऑप्शन ये भी होता है, कोई कहता है कि इससे सस्ते में भी टूल आता है तो सस्ते में आता है, तो जिसको सस्ते में चाहिए वो सस्ते में जाओ भाई, है ना। यहाँ पर इंडिया रे फिक्स है, इसका कुछ स्टैंडर्ड है, तो जो हमने प्राइस फिक्स कर दिया यही प्राइस रहता है, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो ये 2,000 का टूल है, अगर आपके पास होता है तो आपका बहुत सारा काम बायोस एडिटिंग का आसान होगा। देखिए बायोस एडिटिंग फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ रिपेयरिंग है, समझ गया ना। आज की डेट में जो 50% प्रॉब्लम्स होते हैं बायोस से रिलेटेड होते हैं, तो पहले तो आपको बायोस एडिटिंग सीखना है ना। ये नहीं कि ये टूल परचेज कर लिया तो आपने बायोस एडिटिंग कर लिया, आप बायोस एडिटिंग सीखोगे, सीखने के दौरान आपको अलग अलग टूल का आइडिया लगेगा बायोस एडिटिंग में, है ना। और ये जो टूल है ये किस में काम आएगा, तो जितने भी एक्सट्रैक्शन के टूल होते हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पे मिल गए। अलग अलग टूल में क्या होता है, हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है कि किस टूल से क्या होगा, किस टूल से क्या होगा, है ना। लेकिन ये टूल है तो सारे के सारे टूल आपके यहीं पर आ रहे हैं, सारे टूल यहीं पर आ रहे हैं, और ये यूनिवर्सल है ना। आपको अगर नहीं पता किससे क्या एक्सट्रैक्ट होगा, सीधा सीधा आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करिए और आपका काम रेडी, आपका बायोस बन के आ गया। उसके बाद बायोस में क्या करना है वो बायोस एडिटिंग सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर था सिंपली एक्सट्रैक्ट करना, तो आपने देखा यहाँ पर हमारा ये बायोस आ गया। मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ, डिटेल्स में मैं ले जा रहा हूँ आपको, ये डिटेल्स है मेरा, बैकअप था IATMB का, यहाँ पर भी आ गया ATMB। आपको और ज़्यादा वेरीफाई करना है तो आप एनालाइजर में वेरीफाई कर सकते हो, ये यहाँ पर एनालाइजर मैंने रखा हुआ है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एंटर किया, ये हमारा 3542 विथ सर्विस टैग ये आ गया। और दूसरा देखिए जो मेरे पास आया वो वही है क्या, देखिए यहाँ पर ये एनालाइजर, यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वर्जन आ गया आपके पास, है ना। डेल 3542 विथ सर्विस टैग आपका सेम का सेम आ गया। TXE फैमिली है, TXE2 फैमिली है, यहाँ पर भी TXE2 फैमिली है, सब कुछ सेम सेम है ना, मेरे पास सब कुछ सेम सेम आ गया। तो कुल मिला के क्या होता है, ये हमने बना लिया, है ना, ये हमने बना लिया, और जैसा वर्जन लिया था उस वर्जन के हिसाब से भी मेरा सब कुछ सेम सेम आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर बन के रेडी हो गया। एक 3542 का बायोस होता है, अब ये ध्यान रखिएगा 3542 का जो बोर्ड होता है उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार इंटेल ही आए, उसमें AMD भी आ जाता है ना, तो वो अलग पार्ट हो जाता है वो समझने का। फिलहाल एक बायोस था मेरे पास, हूबहू एक बायोस बनाना था, मैंने बना लिया और हमारा काम हो गया डन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।